नमस्कार, मैं आशीष और आप सभी का स्वागत है सीएन न्यूज में। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को अपने देश के आर्थिक संकट का समाधान भारत से दोस्ती में दिख रहा है। तमाम शिकायतों के बावजूद इमरान खान ने उम्मीद जताई है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सामान्य होने के बाद पाकिस्तान को आर्थिक वृद्धि के तमाम मौके मिलेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान दावोस में चल रही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में शामिल होने के लिए वहां पहुंचे। दावोस में इमरान खान ने इंटरनेशनल मीडिया काउंसिल को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के आर्थिक संकट, भारत पाकिस्तान के रिश्ते, ईरान अमेरिका टकराव समेत तमाम मुद्दों पर बातचीत की। पाकिस्तान की रणनीति स्थिति पर जोर देते हुए इमरान ने कहा कि उनके देश में व्यापार की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि जिस पल भारत पाकिस्तान के संबंध सामान्य होते हैं, दोनों देशों के बीच व्यापार भी शुरू हो जाएगा और तब आर्थिक वृद्धि के तमाम मौके उभरेंगे। पाकिस्तान को दुनिया के किसी भी देश से कश्मीर मुद्दे पर खुलकर समर्थन नहीं मिल रहा है। ऐसे में इमरान ने दावोस में ही अपना प्रोपेगेंडा प्रचारित करने की कोशिश की। इमरान ने भारत में हो रहे घटनाक्रमों को लेकर चिंता जताई और मौजूदा सरकार की जर्मनी के नाजी से तुलना की। इमरान ने कहा कि पाकिस्तान और भारत भले ही सीधे संघर्ष के करीब नहीं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका को दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने से पहले हस्तक्षेप करना चाहिए। इमरान ने कहा, दो परमाणु शक्ति संपन्न देशों के बीच आप संघर्ष को बढ़ाने नहीं दे सकते, इसलिए यूएन और अमेरिका को हस्तक्षेप करने की जरूरत है। इमरान ने यह भी मांग की कि LOC पर यूएन के पर्यवेक्षकों को भेजने की अनुमति दी जाए। इमरान ने कहा कि 2018 में सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर मैंने दीवार तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन जब भारत की बालाकोट स्ट्राइक के बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते खराब हो गए, जब नई दिल्ली ने अगस्त महीने में कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा दिया, तो हालात और बदतर हो गए। इमरान ने मौजूदा सरकार को भारतीयों और कश्मीरियों के लिए खतरनाक बताया है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि भारत जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहा है वह उसके लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। भारत और अमेरिका के रिश्ते को लेकर पूछे गए सवाल पर इमरान ने कहा कि दोनों देशों के बीच करीबी समझी जा सकती है, क्योंकि भारत अमेरिका के लिए एक बड़ा बाजार है। इमरान ने माना कि उनकी सरकार के आर्थिक सुधारों की वजह से जनता परेशान हो रही है, लेकिन उन्होंने उम्मीद जताई है कि 2020 में लोगों के लिए आर्थिक प्रगति लेकर आएगा और रोजगार पैदा होगा। इमरान ने कहा कि देश के इतिहास का सबसे बुरा आर्थिक संकट हमने विरासत में देखा था। पिछले एक साल से सरकार के कड़े आर्थिक फैसलों की वजह से लोगों को जिस रुख का सामना करना पड़ रहा है वैसा कभी देखने को नहीं मिला। हम बहुत ही मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं और जाहिर तौर पर लोग भी परेशान हुए हैं, लेकिन अब अर्थव्यवस्थाएं स्थिर हो गई है और इस साल हम आर्थिक वृद्धि की उम्मीद भी कर रहे हैं। दावोस में इमरान खान का यह दिखावा कि जब भारत और पाकिस्तान के रिश्ते या संबंध सामान्य हो जाएंगे तो इससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी, उसमें सुधार आ जाएगा, आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जो लोग ऐसे न्यूज पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मैं आशीष झा, SCN न्यूज। धन्यवाद।